हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है जी हरियाणा सरकार की योजनाएं। हरियाणा सरकार ने अलग अलग टाइम पे लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हैं, स्कीम्स चलाई हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हरियाणा में सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि कन्या का कल्याण हो, अच्छे से उसकी समृद्धि हो सके, तो इसका उद्देश्य क्या है? बालिका की शिक्षा और बचत। क्या उद्देश्य है जी सुकन्या समृद्धि योजना का? बालिकाओं की शिक्षा की और बचत की। ठीक है जी, शिक्षा से क्या हो जाएगा? बालिकाओं की शिक्षा से वो अच्छा रोजगार पा सकती हैं, भविष्य में अपनी जिंदगी को सफल बना सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और बचत से क्या होगा जी? बचत से उनके शादी के लिए जो खर्चा होता है उसमें अपने माता पिता की सहायता हो सकती है उनके। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और बचत से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाडली योजना हरियाणा में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लाडली योजना शुरू की गई थी 2005 में। लाडली का मतलब गर्ल, तो यानी कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली योजना शुरू की गई थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ जी, भविष्य सुरक्षा पेंशन योजना किसके लिए है? देखिए जी, भविष्य सुरक्षा पेंशन योजना वो है जी असंगठित क्षेत्रों के मजदूर के लिए। जो डिफरेंट क्षेत्रों से मजदूर हरियाणा में आ गए हैं उनके लिए पेंशन की जो सुविधाएं दी गई हैं, ताकि मजदूरों को भी अपने जो भविष्य है उसमें अच्छे से कमाई का भविष्य में डर ना रहे कि हमारे अगर उम्र के बाद भी हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे जो अपने परिवार का रोजगार चलेगा। तो इसीलिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? भविष्य सुरक्षा पेंशन योजना, याद रखिएगा, ये जो योजना है असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने की शुरुआत की है? तो वित्तीय सहायता देने की शुरुआत और रोजगार, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है, इसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाना भी है। अब रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार उनको स्किल ट्रेनिंग देके अलग अलग फील्ड में, जैसे कि किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, गर्ल्स को ब्यूटिशियन फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, या फिर किसी को टीचिंग लाइन में जाना है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, तो स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस योजना का नाम है सक्षम योजना। यानी कि उनको, युवाओं को उस, उन्हें सक्षम बनाना ताकि वह अपने रोजगार खुद कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस आय वर्ग के परिवारों को शामिल किया गया है? ये कुछ गड़बड़ आ गई है पेन में, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय कितनी है जी? 180,000 वार्षिक आय, यानी कि पूरे वर्ष में जो है सिर्फ 180,000 ही उन्होंने कमाए होंगे, उनके लिए है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अब 180,000 के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 180,000 पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं जी? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ्स में अगर 180,000 कमाएगा तो 1 मंथ में कितना कमा रहा है? 15,000 कमा रहा है सिर्फ। ठीक है जी, तो एक दिन में कितना कमाएगा? एक दिन में वो सिर्फ 500 रुपये कमा रहा है। तो ऐसी आय, जिन लोगों की ऐसी आय जिसकी वार्षिक आय जो है 180,000 है, वो किसके अंतर्गत आ जाती है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आ जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जी आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और लाभ के प्रावधान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जी, फसल भी मेरी, मेरा भी ब्यौरा, यानी कि किसानों से रिलेटेड हो सकती है, तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की फसलों का रिकॉर्ड रखना। ब्यौरा मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड रखना ही होता है ना, तो किसानों की फसलों का रिकॉर्ड रखना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस योजना के तहत क्या होता है जी, किसानों को फसलों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने के विकल्प दिए जाते हैं, यानी कि उनका एक पोर्टल बनाया जाता है प्रॉपर, हर एक किसान का एक पोर्टल होता है ऑनलाइन, जिसमें उसकी फोटो होती है, उसने कौन कौन सी फसल टाइम टू टाइम उगाई है, कितने में बिकी है, ये पूरा पूरा ब्यौरा उससे रिलेटेड होता है, ताकि उन्हें अगर किसी वर्ष जो है बाढ़ के कारण या फिर सूखे के कारण उनकी फसल का अच्छा नहीं हो सकता तो सरकार उसकी वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर सके। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा किससे रिलेटेड है? किसानों की फसलों के रिकॉर्ड रखने से रिलेटेड है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, मृतक कर्मचारी अनुग्रह अनुदान योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है?
मृत कर्मचारी अनुग्रह अनुदान योजना आती है जी हरियाणा कर्मचारी कल्याण विभाग के अंतर्गत। किसके लिए आती है? हरियाणा मृतक कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी जो है मर चुका है उसके अनुग्रह की अनुदान की योजना, ठीक है जी। उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो वो किस लिए होगी? मृतक कर्मचारी अनुग्रह योजना के अंतर्गत, ठीक है, हरियाणा कर्मचारी कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री ग्रामीण सूचना ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण सड़क योजना यानी कि सड़कों का निर्माण कराना, तो इसका अंतर क्या है? क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है जी? ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क संपर्क है उनको बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा योजना। साइबर मतलब क्या होता है? आपको पता है जो भी कंप्यूटर से ऑनलाइन से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, उनसे सुरक्षा, ठीक है। तो कैसे, कब शुरू की गई थी साइबर सुरक्षा योजना? 2019 में शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई थी? साइबर अपराध से बचाने के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना, तो पशुओं का बीमा करना है, पशुधन बीमा योजना बोला है ना, तो पशुओं का बीमा करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है जी? किसानों के पशुधन का बीमा करके उन्हें क्या देना है? सुरक्षा देना है। क्या देना है जी? सुरक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलता है? तो मुख्यमंत्री जब सामूहिक विवाह कराते हैं तो किसे योजना का लाभ मिलेगा? तो जो सामूहिक विवाह करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको ही मतलब कि फायदा मिल रहा है। जैसे कि गरीब परिवारों की लड़कियों को एक साथ में 20 से 25 लड़कियों का एक साथ या 100 लड़कियों का एक साथ विवाह करा दिया, तो मुख्यमंत्री खुद करवा रहा है, उसकी इस योजना के तहत कराए जा रहे हैं, तो उनको कोई खर्चा नहीं देना है, तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? गरीब परिवारों की लड़कियों को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आशा ज्योति केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आशा ज्योति केंद्र का मुख्य उद्देश्य है जी महिलाओं के लिए एकल खिड़की सहायता, यानी कि एक कॉल में ही एक प्रकार से उन्हें जो है सहायता दी जाए। कैसी सहायता दी जाए? उन्हें कानूनी सहायता मिले, उन्हें स्वास्थ्य सहायता मिले, यानी उनसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड उन्हें सहायता मिले, सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी सुरक्षा से रिलेटेड सहायता मिले, या पुनर्वास हो सकता है ना। कई गाँव के लोग क्या करते हैं, अब किसी ने लव मैरिज कर ली तो गाँव निकाला कर देते हैं, तो दूसरे क्षेत्र में जाकर उन्हें वास करने की सुविधा एक ही सहायता पर प्रदान करना, ये किस कौन सी इसके अंतर्गत आता है? आशा ज्योति केंद्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हरियाणा कौशल विकास मिशन का उद्देश्य क्या है? हरियाणा कौशल विकास, नाम से ही पता चल रहा है, तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना यानी कि स्किल की ट्रेनिंग देना युवाओं को, किसका उद्देश्य है? हरियाणा कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है, ठीक है जी। कौशल आ गया, कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। महिलाओं का सम्मान योजना है, कब शुरू की गई थी? 2017 में शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई? ताकि महिलाओं को सम्मान दिया जा सके और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता दी जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके कि उनके कौन से अधिकार हैं, उन्हें उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित हरियाणा अभियान का क्या उद्देश्य है? अब संरक्षित हरियाणा अभियान का उद्देश्य है जी सुरक्षा और अपराध को कम करना, उनकी रोकथाम करना, यानी कि किसी चीज सॉरी सुरक्षा और अपराध को नहीं, अपराध को कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है जी। अपराध को कम करके महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना किसके अंतर्गत आ जाएगा? संरक्षित हरियाणा अभियान के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है अटल सेवा केंद्र। आपने देखा होगा ना अटल सेवा केंद्र अलग अलग उसमें खुले रहते हैं, एरिया में खुले रहते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? इनका उद्देश्य होता है जी सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, सरकारी जो योजनाएं बन रही हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी जो है डिटेल्स इनको देना, लोगों को देना, और लोगों को अगर उनको भरना नहीं आता तो वहाँ पर जो है अटल सेवा केंद्र में बंदे बिठाए होते हैं, वो खुद आपके फॉर्म भरेंगे और फीस भी बिल्कुल मिनिमम लगती है जितनी वो फॉर्म के रिलेटेड होती है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? सरकारी योजनाओं को नागरिकता तक पहुँचाना, ठीक है जी, ताकि जो जितनी भी योजनाएँ हैं उनका फ़ायदा सरकार लोगों तक पहुँच सके, आम जनता तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री आवास योजना, आपने ये सुनी होगी, इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना और वेरी पॉपुलर योजना भी है। तो किस लिए है जी? गरीब और बेघर लोगों के लिए है मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री क्यों लगता है जी? आगे देखिए,
जो भी इन योजना को शुरू करता है, अगर मुख्यमंत्री शुरू कर रहा है तो मुख्यमंत्री लग जाता है, अब प्रधानमंत्री शुरू करता है तो प्रधानमंत्री लग जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना का, आवास योजना का उद्देश्य क्या हो गया, आवास यानी कि घर देना उनको। तो ऐसे लोग जो खुद का घर नहीं बना सकते, नहीं खरीद सकते, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, मान लीजिए 1,80,000 तक ही है वर्ष तक की, तो ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो घर नहीं बना सकते, तो उनको टाइम टू टाइम घर देना ताकि वो अपने लिए एक संरक्षित सुरक्षा महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार पहचान पत्र। आपने सुना होगा अभी ये 2 साल पहले से ही बनने लगे थे परिवार पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी होती है जैसे कि आपका आधार कार्ड था, वैसे ही अब परिवार पहचान पत्र भी बने हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है जी हरियाणा के हर परिवार को एक यूनिक आईडी दी जाती है, यानी कि आपको एक हरियाणा के परिवार की एक यूनिक आईडी दी जाएगी, अब वो पूरे देश में आपको उस आईडी के तहत आपका पूरी डिटेल्स निकल जाएंगे कि ये बंदा जो है हरियाणा में कहाँ पे रहता है, क्या करता है, कितनी इनकम है, कौन सा बैंक अकाउंट इससे रिलेटेड है, तो मतलब कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी उस आईडी से निकल जाएगी। तो इसीलिए क्या निकाला था, परिवार पहचान पत्र, और कौन कौन सी योजनाओं का फायदा ये उठा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। आप नाम से ही पता चल रहा है तो खेतों की सुरक्षा से रिलेटेड होगी, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किससे रिलेटेड है, खेतों की सुरक्षा से रिलेटेड है। अब खेतों की सुरक्षा कैसे होगी जी, खेतों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की सुविधा दी जाती है। अब सुरक्षा दीवार देखिए आपकी तारे होती है, ऐसी कंटीली कंटीली तारे होती है, उससे वो भी हो सकता है, या फिर कोई दीवार बना दी जाए तो भी खेतों की सुरक्षा हो सकती है। किससे हो सकती है, देखिए जो नील गायें होती हैं वो भी खेतों को तबाह कर देती हैं, कई बार लोग जो इंटेंशनली भी खेतों में घुस जाते हैं दूसरों के फसल बर्बाद करने के लिए, तो खेतों की सुरक्षा योजना के अंतर्गत खेतों के चारों तरफ जो है फेंसिंग की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधन योजना। आपको तो पता ही होगा गोधन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। गोधन हम किसके लिए यूज करते हैं, गायों के लिए यूज करते हैं, गाय हमारे लिए गोधन का काम करती है, यानी कि गो मतलब गाय और धन, यानी कि गाय ही हमारा धन है। इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि गौ पालन को बढ़ाना, यानी कि गायों के पालन को बढ़ाना। आपने देखा होगा अब धीरे धीरे गौ पालन बहुत कम हो रहा है, डेयरीज कम हो रही हैं, सड़कों पे गायें इधर उधर पहले तो बहुत देखी जाती थी लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बहुत कम हो गई हैं। तो अब गायें कम हो जाएंगी तो धीरे धीरे हमारा जो है जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, गायों से हमें बहुत अच्छा घी मिलता है वो भी कम हो जाएगा। गायों के बहुत फायदे हैं, आपने सुना होगा ना गाय हमारी माता है, तो गाय को माता किस लिए बोला गया, क्योंकि गायों से जो भी हमें घी प्राप्ति होती है, देखिए भैंस से भी घी मिलता है और चीज़ों से भी, लेकिन गाय के घी में हमारे जो शरीर की बीमारियों को ठीक करने की बहुत अधिक तक शक्ति होती है। तो इसीलिए गोधन योजना का चलाया गया ताकि गोपालन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। किसानों को पशुपालन में मदद मिलती है, इससे उन्हें सब्सिडी भी मिलती है, कुछ अमाउंट दिया जाता है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा महिला विकास निगम। अब महिलाओं का विकास निगम तो महिलाओं को रोजगार और सहायता देने से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंतर्गत महिलाओं को क्या दिया जाता है जी, रोजगार में सहायता प्रदान की जाती है, किसके अंतर्गत, हरियाणा महिला विकास निगम। नेक्स्ट है 22, कृषक सहायता योजना। कृषक का मतलब क्या होता है, किसान, तो किसान की सहायता योजना कैसे रिलेटेड होगी, किसानों की सहायता से होगी, क्या होगा जी, इसमें किसानों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायता दी जाती है। अब कैसे, समस्याएं कैसे आ सकती हैं, उनको हो सकता है टाइम टू टाइम किसी प्रकार का परामर्श चाहिए, कोई राय चाहिए, तो उनको एक पर्सन मिलेगा जो उस फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, तो वो उनको अपनी सहायता दे सकता है, परामर्श दे सकता है कि आप इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं, और या फिर कोई वित्तीय सहायता यानी कि पैसे की सहायता भी चाहिए तो भी उनको प्रोवाइड की जाती है, किसके अंतर्गत, कृषक सहायता योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है, अब देखिए जी रोजगार लग गया तो मतलब कि रोजगार के अवसर देना होगा, तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का उद्देश्य है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, रोजगार के अवसर को प्रदान किया जाता है, नए नए रोजगार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कर्ज राहत योजना। अब किसानों का कर्ज राहत है तो यानी कि किसानों के कर्ज को माफ करने से रिलेटेड है ये योजना, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यावरण संरक्षण योजना, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड है हरियाणा का पर्यावरण संरक्षण योजना। इस उद्देश्य में राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करनी होती है। श्रमिक कल्याण योजना, श्रमिक कल्याण योजना किस रिलेटेड है जी, श्रमिक और मजदूरों से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? जो श्रमिक होते हैं और मजदूर होते हैं उनके कल्याण से रिलेटेड है। उनको कैसे कल्याण होगा? उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई सहायता दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि सरकार द्वारा, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में सरकार द्वारा अलग अलग कास्ट, जैसे जनरल के लिए बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप ओबीसी से रिलेटेड हैं तो आपको फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा एज, जो गवर्नमेंट की अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, SC BC वालों को मिलता है, ST वालों को मिलता है। और अगर कहीं आप मेडिकल उसमें भी चाहते हैं तो जिसमें आप अगर दूसरी कैटेगरी में होते हैं तो आपका खर्चा बहुत ही कम होता है। तो ये किस लिए कैटेगराइज किए गए हैं? ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो जिनकी जो आय है बहुत कम है, मजदूरों और श्रमिकों की लाइन में आते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सहायता, तो उनको सरकार देती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना। मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना का मतलब है परिवारों की सुरक्षा देना, आर्थिक सुरक्षा, परिवार का कल्याण करना, ठीक है, तो गरीबों से रिलेटेड ही होगी। पारदर्शिता योजना, पारदर्शिता का मतलब वैसे अगर हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है आर पार देखना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सरकार ने योजनाएं दी हैं उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो। जैसे कि अब सरकार ने तो बोल दिया कि प्रत्येक महिला को मंथ में 1,000 रुपये मिलेंगे, अगर ऐसी सरकार ने दावा कर दिया है, ऐसी योजना निकाल दी है, लेकिन अगर वो 1,000 रुपीज़ नहीं मिल रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट से जा रही है और महिला तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या ये योजना सफल हुई? नहीं हुई। तो यानी कि वो जो है अगर महिला के अकाउंट तक जाएंगे तो योजना क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। तो यानी कि वो अमाउंट डायरेक्ट महिला के अकाउंट तक जाए, उस चीज में क्या होना चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत आता है, पारदर्शिता योजना के तहत आता है, ठीक है जी। कन्यादान योजना, कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए क्या दी जाती है जी? आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। अब हरियाणा सरकार के द्वारा देखिए जी, 21,000 का अमाउंट भी दिया जाता है और 11,000 का अमाउंट भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। अब सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री के वृद्धजन और विकलांग लोगों के लिए, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं या फिर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए पेंशन बांधी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि उनको किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। कई बार क्या होता है ना, परिवार ही परिवार के लोगों को बोलता है कि ये बोझ बन गया है, तो कई बार लोग सोचते नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। वो वही पर्सन है जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप उनका ही हाथ छोड़ देते हैं। तो प्लीज ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए है। तो ये मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है कि बुजुर्ग और विकलांगों की सहायता करना, पेंशन देकर या फिर अन्य लाभ देकर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्त चिकित्सा सहायता योजना। मुफ्त चिकित्सा सहायता यानी कि जो इलाज है वो मुफ्त दिया जाए, ठीक है। तो गरीबों की मुफ्त चिकित्सा हो, मुफ्त इलाज हो, ऐसा किस योजना के तहत आता है? मुफ्त चिकित्सा सहायता योजना के तहत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है जी शिक्षा का स्तर को सुधारना, ठीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारना किसके अंतर्गत आ जाता है? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ जाता है। इसमें जो है पूरे ही हरियाणा राज्य की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण, ग्रामीण यानी गाँव के लोगों की आजीविका, यानी कि वो अपना रोजगार मिल सके उनको, उस वैसा मिशन। तो उस मिशन में क्या होगा जी? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, उनको स्किल दी जाएगी ताकि वो अपना खुद का रोजगार खुद कमा सके। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ताकि बेटियों की सुरक्षा हो सके, बेटियों को मारा ना जाए गर्भ में, उनको बचाया जा सके, उनको पैदा करें और उनको पढ़ाओ आगे, ताकि वो भी अपने देश का नाम रोशन करें। और आपको पता है कि हरियाणा में जो है बेटियों ने तो कमाल ही कर रखा है, ओलंपिक में इतने सारे गोल्ड मेडल लेके आ चुकी हैं बेटियाँ, तो जिससे कि हरियाणा का नाम एक ऐसे ही स्पोर्ट्स जो है स्टेट के रूप में उभर कर आया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लघु व्यापार ऋण योजना। तो मुख्यमंत्री लघु मतलब छोटे व्यापार के लिए क्या दिया जाए? ऋण दिया जाए, ऋण मतलब लोन दिया जाए। तो कोई से ऐसे होते हैं ना जो उनको छोटा छोटा व्यापार करना होता है तो उनको पैसे नहीं होते, तो उनको लोन देने की सुविधा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु व्यापार ऋण योजना के तहत दी जाती है। तो ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस हरियाणा गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।